सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं इसमें इसमें एफर्ट है, टाइम है, पर्सन मंथ है। एस्टिमेशन यानी कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट लेना होता है या आप कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो आप एस्टिमेट करते हैं कि इतना समय लगेगा, इसके लिए इतने पैसे लगेंगे, इतना रिसोर्स लगेंगे। तो वो सब जरूरी है क्योंकि अगर आप एस्टिमेट नहीं करेंगे प्रॉपर तो आगे चल के जो कॉस्ट ओवररन होता है, शेड्यूल ओवररन होता है, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। तो एस्टिमेशन करने के क्या क्या तरीके हैं ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जान लें कि ये एस्टिमेशन सबसे की एलिमेंट है आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग का। तो जो ओवरऑल हमारा गोल है, जो एम है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, वो ये है कि हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सके, एक प्रैग्मेटिक स्ट्रेटेजी हो कंट्रोल करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए। जो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रोजेक्ट है, उनको उनमें ये सब चीज़ें हम कर सकें। क्यों? अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि सब चीज़ें टाइम पे हो, पैसे के अंदर हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्वालिटी हो उसमें, क्वालिटी। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के कुछ काम होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप प्रोजेक्ट स्कोप को एस्टैब्लिश करते हैं, यानी कि आप बताते हैं कि देखिए हम यहाँ से यहाँ तक ये काम करने वाले। फिर हम फिजिबिलिटी देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। फिर रिस्क देखते हैं कि इस काम में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं। और फिर अब जब ये सब हो जाएगा फिर हम बताते हैं कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, यानी हमें इतना इतने लोग चाहिए, इतना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इतना हमें रियूजेबल सॉफ्टवेयर रिसोर्स चाहिए, ये सब हमें एनवायरमेंटल रिसोर्सेज चाहिए। अभी मैं बताऊंगा आपको करके क्या है इसमें। फिर ये होने के बाद आप एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट और एफर्ट को, यानी कि आप प्रॉब्लम को पहले तो डिकम्पोज करते हैं, फिर आप या तो साइज लेके या जैसे KLOC है उसको लेके या फंक्शन पॉइंट को लेके या जो प्रोसेस के टास्क का यूज केस को लेके आप एस्टिमेट निकालते हैं इसका, और फिर इन एस्टिमेट को रिकनसाइल करते हैं। अगर इनमें कोई फेरबदल है तो फेरबदल करते हैं, या फिर इनमें जो कहा ना कि यूजिंग टू और मोर एस्टिमेट्स, तो उनमें से रिकनसाइल मतलब हम बेस्ट लेते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम शेड्यूल को डेवलप करते हैं एक टाइमलाइन चार्ट जैसा। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मीनिंगफुल काम कौन से हैं, फिर हम इस टास्क नेटवर्क को बनाते हैं, फिर एक शेड्यूलिंग टूल के हिसाब से इसको टाइमलाइन चार्ट पे दिखाते हैं, फिर हम इसको ट्रैक करते हैं, शेड्यूल को ट्रैक करते हैं कि कौन सी चीज़ कब हो रही है। जैसे ये मिड जून में शुरू होना था, ये अगस्त में खत्म होना था, तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एस्टिमेशन ध्यान दीजिएगा कि अगर अच्छी एस्टिमेशन अप्रोच है या आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है सॉलिड, ये आपका सबसे बढ़िया होप है ताकि जो इम्पॉसिबल डिमांड्स हैं उनके ऊपर आप सक्सेस पा सके, आप विन कर सके, जीत पा सके। अगर आप एस्टिमेशन की बात करें तो एस्टिमेशन किस किस में हो सकता है, आपके रिसोर्सेज में है, कॉस्ट में है, शेड्यूल में है, इन सब में आपका हो सकता है। और इसमें क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एफर्ट लगना है, तो उसमें एक्सपीरियंस भी आता है, इसमें एक्सपीरियंस आता है, इसमें जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करके भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। और अगर आप क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो वो भी है, जब आपके पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है तो उसके बावजूद भी आप क्वांटिटेटिव करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा इन सब चीजों में एक्सपीरियंस और हिस्टोरिकल डेटा ज्यादा रोल प्ले करता है। तो एस्टिमेशन इसमें इनहेरेंट रिस्क होता है, और जो ध्यान दीजिए कि जो रिस्क होता है उसमें हमेशा आपका कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आएगी। तो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी या प्रोजेक्ट का साइज या जितनी डिग्री है स्ट्रक्चरल इस अनसर्टेनिटी की, इस सारे के सारे आपके एस्टिमेट की रिलायबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो स्कोप क्या है, सबसे पहले हमने देखा था कि हम स्कोप डिफाइन करते हैं, व्हाट इज दिस स्कोप। तो सॉफ्टवेयर स्कोप ये बताता है कि जो फंक्शन और फीचर है जो हमें यूजर को देने हैं, ये स्कोप में है कि क्या हमें देना है, क्या इनपुट और आउटपुट डेटा होगा, क्या कंटेंट होंगे जो यूजर को आपको प्रदर्शित करने हैं या देने हैं, क्या परफॉर्मेंस होगा, कंस्ट्रेंट क्या है, इंटरफेसिंग क्या देंगे आप, रिलायबिलिटी क्या है सिस्टम की, ये सब सॉफ्टवेयर स्कोप में आएगा। तो सॉफ्ट स्कोप वन ऑफ द टू टेक्निक, यानी दो टेक्निक आप देख लीजिए स्कोप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। या तो आप सीधा नैरेटिव डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, जैसे कि आप निबंध लिखते हैं वैसे लिख दीजिए, आप जब स्टेक होल्डर से बात कर लें तो फिर आप नैरेटिव डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, या फिर आप यूज केसेस यूज कर सकते हैं जो एंड यूजर ने डेवलप किए हुए, ये आपका स्कोप हो गया। तो मैं जैसे बता रहा था, एक प्रोजेक्ट में आपके एक तो ह्यूमन रिसोर्स होता है, एक आपका एनवायरमेंट रिसोर्स होता है, और एक रियूजेबल सॉफ्टवेयर। तो पहले मैं एनवायरमेंट की बात करता हूँ। एनवायरमेंट में सॉफ्टवेयर टूल्स हो सकते हैं जो जिस हार्डवेयर पे काम हो रहा है
और जो नेटवर्क रिसोर्सेज है, ये तीनों चीज एनवायरमेंट में आती है। नेटवर्क रिसोर्सेज क्या है, हार्डवेयर कौन सा काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर टूल्स कौन कौन से आपके पास। लोगों की बात करें, जो ह्यूमन रिसोर्स, उनकी लोकेशन क्या, उनकी स्किल क्या है, कितने लोग हैं, और फिर आता है रियूजेबल सॉफ्टवेयर। क्योंकि प्रोजेक्ट में आजकल के प्रोजेक्ट, जो बड़े प्रोजेक्ट है, वो ऐसे नहीं काम करते, उसमें आपका कोई ना कोई रियूजेबिलिटी होगी, कोई चीज ऐसी होगी जो रियूजेबल होगी, मतलब बगैर रियूजेबिलिटी काम नहीं चलेगा। तो OTS कंपोनेंट है आपके, जिसे हम कॉट्स भी कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ द शेल्फ। ऐसी फुल एक्सपीरियंस कंपोनेंट्स है, जो पास्ट एक्सपीरियंस कंपोनेंट है और जो नए कंपोनेंट है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप उस कॉस्ट में और उस एस्टिमेट, जो एफर्ट एस्टिमेट किया है, तो बहुत सारे ऑप्शन उसमें आ जाते हैं। जैसे किसी प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करने गए आप, तो जो डिले आप कर सके, जितना ज़्यादा डिले कर सके अपने प्रोजेक्ट में, उतना अच्छा है। और जो बेस एस्टिमेट्स है, वो हमेशा उनसे लेने की कोशिश करें जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से आप डिकम्पोजिशन टेक्निक लीजिए, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करके फिर एफर्ट का एस्टिमेट कर सकें। जो आपके पास एम्पेरिकल मॉडल है सॉफ्टवेयर के कॉस्ट और एस्टिमेशन पे, वो यूज़ करें। अभी हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो एस्टिमेशन टेक्निक में, एक तो जो पुराने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है उसको आप ध्यान में देंगे, फिर जो कन्वेंशनल आपकी एस्टिमेशन टेक्निक है, उसमें टास्क को एक तो ब्रेक डाउन करना और फिर एफर्ट एस्टिमेट करना, फिर साइज या फंक्शन पॉइंट है उसका एस्टिमेशन, एम्पेरिकल मॉडल, ऑटोमेटेड टूल्स, ये सब हैं। तो डिकम्पोजिशन टेक्निक की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि डिकम्पोज करना है, जो आप सॉफ्टवेयर साइजिंग की बात करेंगे, तो जो एक्यूरेसी है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेट की, उसको प्रेडिक्ट करने में काफ़ी चीज़ें होती हैं। पहले तो डिग्री टू विच प्लानर हैज प्रॉपरली एस्टिमेटेड द साइज ऑफ द प्रोडक्ट इक्विपमेंट। अगर आपने साइज ठीक से नहीं बताया, चाहे वो LOC में किया, KLOC में, या आपने फंक्शन पॉइंट में किया, अगर ये साइज ठीक से नहीं एस्टिमेट किया गया, तो आगे की सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। किस तरीके से आप साइज को ह्यूमन एफर्ट, कैलेंडर टाइम और डॉलर्स में तब्दील कर सकते हैं, और द डिग्री टू विच अ प्रोजेक्ट प्लान रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम। यानी कि जो प्रोजेक्ट प्लान आपने बनाया है, वो कि सॉफ्टवेयर टीम की तो एक एबिलिटी है, एक स्किल है, वो स्किल को किस तरीके से प्रोजेक्ट प्लान रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स कितनी स्टेबल है, और जो एनवायरमेंट है वो कितना सपोर्ट कर रहा है आपकी इंजीनियरिंग एफर्ट। तो पुतनाम और मायर्स, इन्होंने चार अलग अलग अप्रोच बताई साइजिंग की, क्योंकि उन्होंने कहा साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो फजी लॉजिक साइजिंग है, एक फंक्शन पॉइंट साइजिंग है, एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग है, एक चेन साइजिंग है, चेंज। तो ये अलग अलग चीजें हैं। इसमें मेन ये देख लीजिए कि आपका जो KLOC है या फंक्शन पॉइंट है, अब इसमें चेन साइजिंग का मतलब उन्होंने कहा कि ये चेन भी हो सकता है, क्योंकि समय के साथ रियूजिंग, एडिंग कोड, चेंजिंग कोड, रीडिंग कोड, ये भी तो हो सकता है। और फजी लॉजिक साइजिंग की जहां तक इन्होंने बात की, कि जो अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग टेक्निक है, यानी प्लानर पहले आइडेंटिफाई करेगा कि एप्लीकेशन क्या है, फिर उसको मैग्नीट्यूड को एस्टेब्लिश करेगा एक क्वालिटेटिव स्केल में, और फिर इसको रिफाइन करेगा मैग्नीट्यूड विद इन द ओरिजिनल रेंज में। ये चीज़ आती है। बाकी फंक्शन पॉइंट तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड कंपोनेंट आपके LOC वगैरह है, इसमें सब कुछ आएंगे, सिस्टम, सब सिस्टम, उसके स्क्रीन, उसके रिपोर्ट, उसके इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन अगर आप देखना चाहें, जो प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन है, तो इसमें लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट्स, ये डिस्क्राइब किया गया है, जिसके अनुसार आप प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट, ये दो चीज़ें हैं जिससे आप सॉफ्टवेयर का एस्टिमेशन कर सकते हैं। एक तो एस्टिमेशन है वेरिएबल साइज, हर एक एलिमेंट का सॉफ्टवेयर का आप एस्टिमेशन करेंगे, हर एक वेरिएबल, जो भी जितने भी एलिमेंट आते हैं उसके साइज का। उसके बाद एक बेसलाइन मेट्रिक होता है जो आप कलेक्ट करते हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जो या फिर जो आज इन कंजंक्शन विद एस्टिमेटेड वेरिएबल्स टू डेवलप कॉस्ट एंड एफर्ट प्रोजेक्शन, आज के जो बेसलाइन मेट्रिक्स है। तो ये दोनों चीजें आप यूज करेंगे। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक मान लीजिए 3 पॉइंट या जैसे 3 पॉइंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये कैसे आप कंप्यूट करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू करने के लिए आप एक तो एस्टिमेशन वेरिएबल लेंगे साइज, जिसे हम एस कह रहे हैं। अब ये 3 तरीके से एस्टिमेट किए जा सकते हैं। एक तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है, एक मोस्ट लाइकली अप्रोच होती है, एक पेसिमिस्टिक अप्रोच होती है, या पेसिमिस्टिक एस्टिमेट होते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक एक एस्टिमेट, क्योंकि हम एस्टिमेशन की बात करें, मोस्ट लाइकली या पेसिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 × SM + S पेसिमिस्टिक, इसको डिवाइड बाय 6 करिए, आपका
ये एक्चुअल एस्टिमेट आएगा जो आप साइज के बारे में बात करते हो, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। कन्वेंशनल मेथड तो आप जानते हैं, लाइन ऑफ कोड है या फिर FP, आपको डोमेन वैल्यूज जो जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और खासतौर पर जो हिस्टोरिकल डेटा, दो चीज बता रहा हूँ मैं, हिस्टोरिकल डेटा जिस हिसाब से प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुए हैं उनके हिसाब से एस्टिमेट किया जाता है। आप बोलेंगे लाइन ऑफ कोड तो आई नहीं या फिर आपके हमारे फंक्शन पॉइंट तो आए नहीं, हमने कैसे कैलकुलेट करें, एस्टिमेट कैसे करिए, लाइन ऑफ कोड तो लिखे नहीं गए। तो एस्टिमेशन इसका होता है हमेशा जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको देख के कि इस काम के लिए कितने लाइन ऑफ कोड एक्सपेक्टेड है, फिर हम एफर्ट और कॉस्ट निकालते हैं। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल लाइन ऑफ कोड लेके हम चले, तो ये अलग अलग फंक्शनैलिटी है, जैसे मान लीजिए 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस है, तो इसके लिए लगने वाले हैं 6800 लाइंस आपने प्रेडिक्ट किए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग लाइन ऑफ कोड प्रेडिक्ट करके आप इनको जोड़ेंगे, और ये जोड़ेंगे यही आपकी एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड है। अब दूसरा फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन है, इसमें भी ऐसे ही है कि जैसे हम लोग पहले स्पेसिफिकेशन में भी देख चुके हैं कि जब हम मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन डोमेन की वैल्यू है, जैसे मैं भी बता रहा था, चाहे वो एक्सटर्नल इनपुट हो, चाहे वो एक्सटर्नल आउटपुट हो, चाहे वो एक्सटर्नल इंक्वायरीज हो, चाहे इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हो या एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स हो, ये जितने भी आपके अलग अलग इन्फॉर्मेशन डोमेन वैल्यू है उसमें आप जब एस ऑप्ट, एस लाइकली, एस पेसिमिस्टिक मैंने बताया आपको, तो इससे आप काउंट ले सकते हैं और उसको पर्टिकुलर वेट देंगे कि साहब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर फंक्शन पॉइंट का काउंट लिख के जोड़ सकते हैं। और जब आपके पास ये आ गया तो आप जानते हैं कि एक EAF जो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर होता है हमारा, ये वाला हर एक वैल्यू को, चाहे डेटा कम्युनिकेशन की जरूरत है, चाहे मास्टर फाइल अपडेट हो रही है कि ऑनलाइन, या एप्लीकेशन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि चेंज होगा, तो ये 0 से लेकर 5 तक वैल्यू यहाँ दे दीजिए और उसके बाद उन सबको जोड़ दीजिए। तो अब ये आपका फंक्शन पॉइंट की वैल्यू होगी 320, यहाँ 1.17 आ गया, इसको सीधा काउंट टोटल यहाँ पर रख के और ये EAF को यहाँ रख के आप ये फंक्शन पॉइंट के एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ये तरीका है आपका फंक्शन पॉइंट के एस्टिमेट को निकालने का। अब जो एम्पिरिकल एस्टिमेशन मॉडल है वो किस तरीके से चलता है, उसका जनरल फॉर्म समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी आगे हैं वो सारे इसी तरीके से दिखाई देंगे। जनरल फॉर्म ये है, एफर्ट इस तरीके से निकलेगा कि ट्यूनिंग कोएफिशिएंट है आपका, ये पहले समझिए एफर्ट क्या है। ये एफर्ट निकलता है पर्सन मंथ में, कितने एफर्ट रिक्वायर्ड है पर्सन मंथ में। फिर ये ट्यूनिंग कोएफिशिएंट है, या ये कोई कॉन्स्टेंट है, या फिर एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से, जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोजेक्ट की उस हिसाब से नंबर निकाला जाता है। फिर साइज है, ये जो साइज होता है ये लाइन ऑफ कोड होगा या फंक्शन पॉइंट होगा। फिर एक्सपोनेंट है आपका, एम्पिरिकली डिराइव्ड है, इसका भी बताता हूँ आपको करके। तो बेसिकली ये जो तरीका बताया है ये वाला, ये भी आएगा, और दूसरा भी तरीका है ये कि अगर आप देखें एस्टिमेशन मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एक टिपिकल एस्टिमेशन मॉडल एक रिग्रेशन एनालिसिस से निकल के आता है। हम रिग्रेशन, कोरिलेशन रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल के समय में। तो जो रिग्रेशन एनालिसिस होती है जिसमें हम एक लाइन बनाते हैं, उसमें रिग्रेशन देखते हैं कि जो डेटा कलेक्टेड है, मतलब पुराने जो प्रोजेक्ट हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, उससे डेटा निकल के आया, उसकी रिग्रेशन एनालिसिस करके जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है मॉडल का, वो है E = A + B × EV⁴। ए, बी और सी तीनों ही एम्पिरिकली डिराइव कॉन्स्टेंट है, इसमें जो ई है ये है एफर्ट इन पर्सन मंथ, और ईवी जो आप देख रहे हैं ये क्या होगा, ये एस्टिमेशन वेरिएबल है, इसमें लाइन ऑफ कोड भी हो सकता है और आपका फंक्शन पॉइंट भी हो सकता है। तो इस ये जो आपने देखी इक्वेशन, ये वाली जो मेजॉरिटी है एस्टिमेशन मॉडल, हर सम फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट एडजस्टमेंट फैक्टर आल्सो, तो इसकी EAF जैसे मैंने आपको बताया एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्टाफ का एक्सपीरियंस क्या है, डेवलपमेंट एनवायरमेंट क्या है। ये अलग अलग जो मॉडल बनाए गए लाइन ऑफ कोड के, देखिए लाइन ऑफ कोड के एस्टिमेशन मॉडल जो इसे भी फॉलो करते हैं, देखिए ये भी वाला एस्टिमेशन मॉडल भी फॉलो कर रहे हैं, ये वाला भी कर रहे हैं, ये वाला भी, किसी में ये इनटू वाला है मतलब पहले वाला, किसी में ये वाला है जो आप यहाँ देख रहे हैं। वॉटसन फेलिक्स मॉडल है, बेली बजीली मॉडल है, बोयम सिंपल मॉडल है, और डॉटी मॉडल है जिसमें अगर KLOC आपकी लाइन ऑफ कोड 9 से ज़्यादा है, तो ये अलग अलग वैल्यू है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप लाइन ऑफ कोड की जगह फंक्शन पॉइंट की बात करते हैं तो आप एल्ब्रेक्ट और गैफनी मॉडल यूज कर सकते हैं, कैमरर मॉडल है, स्मॉल प्रोजेक्ट रिग्रेशन मॉडल है, तो ये यूज कर सकते हैं। अब कोकोमो 2 की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है, ये एक हायरार्की है एस्टिमेशन मॉडल की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एड्रेस करते हैं, एक में बहुत सारी चीज़ें एड्रेस करते हैं कोकोमो 2 में। एक तो एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल है, एक अर्ली डिजाइन स्टेज मॉडल है, और एक पोस्ट आर्किटेक्चरल स्टेज मॉडल है। एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल का मतलब है इट इज यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बिल्कुल स्टार्ट में इसको यूज करते हैं, जब आप प्रोटोटाइप कर रहे हैं यूजर इंटरफेसेस का,
या आप सॉफ्टवेयर या सिस्टम का इंट्रैक्शन, जो परफॉर्मेंस है और जो इवैल्यूएशन है टेक्नोलॉजी के मेच्योरिटी का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस समय की बात कर रहे हैं, इनिशियली जब बात कर रहे हैं। और जो डिजाइन स्टेज मॉडल है, अर्ली डिजाइन स्टेज मॉडल है जैसे, ये तब होता है जब एक बार रिक्वायरमेंट आपने स्टेबलाइज कर दी और बेसिक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर भी आपने एस्टेब्लिश कर दिया। और पोस्ट आर्किटेक्चर स्टेज मॉडल ये है कि ये तब होता है जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर का। तो जैसे बाकी एस्टिमेशन मॉडल है सॉफ्टवेयर के, तो कॉस्ट कोकोमो 2 है मॉडल, इसमें भी आपको साइजिंग चाहिए, साइजिंग तो सब में चाहिए। तो तीन अलग अलग साइजिंग ऑप्शन है आपके पास, एक तो ऑब्जेक्ट पॉइंट है, फंक्शन पॉइंट है, लाइन ऑफ सोर्स कोड, यानी अभी तक आपने जो देखे उसमें एलओसी और फंक्शन पॉइंट थे, इसमें ऑब्जेक्ट पॉइंट्स भी। तो फंक्शन पॉइंट और लाइन ऑफ कोड तो आप देख ही चुके हैं, बाकी इसमें जरा कोकोमो 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट पॉइंट लेते हैं अभी, तो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट, और आप देखिएगा कि कैसे हम इसको लेते हैं। जैसे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, एक फंक्शन पॉइंट जैसे होता है वैसे ऑब्जेक्ट पॉइंट भी होता है। ये भी एक इनडायरेक्ट सॉफ्टवेयर मेजर है, ताकि आप कंप्यूट कर सके क्या नंबर ऑफ स्क्रीन हो गई, ये भी ऑब्जेक्ट पॉइंट हो सकते हैं। रिपोर्ट हो गए, कंपोनेंट जो बनेंगे, या हर एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस जैसे स्क्रीन है, रिपोर्ट है, ये एक तरीके से तीन कॉम्प्लेक्सिटी लेवल में हम डालते हैं इनको। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है मेरा स्क्रीन हो गया, या रिपोर्ट हो गया, या मान लीजिए ये 3 GL कॉम्पोनेंट हो गया, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्सिटी वेट दूंगा सिंपल, मीडियम एंड डिफिकल्ट। तो सिंपल, मीडियम एंड डिफिकल्ट की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल देने के बाद, ये जब मैंने दे दिया, उसके बाद हम जैसे बोयम साहब ने दिया है जो वैल्यूज हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे एग्जैक्टली हम उसमें क्या करते थे, जैसे फंक्शन पॉइंट और लाइन ऑफ कोड में जब हम कोकोमो देखते थे, कोकोमो 2 में आप ध्यान दीजिएगा हम ऑब्जेक्ट पॉइंट पे भी ले आए हैं, और ये तीन अलग अलग लेवल पे होता है, एप्लीकेशन कंपोजिशन लेवल, अर्ली स्टेज, पोस्ट आर्किटेक्चर, और उनके अलावा यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पॉइंट को लेकर इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी वेट देते हैं। जो सॉफ्टवेयर इक्वेशन है डायनेमिक मल्टी वेरिएबल मॉडल की, E = LOC × B^0.333/PQ × 1/T4। इसमें E है एफर्ट निकालने का ही तरीका है, एफएन परसेंट मंथ में, टी है ये आपको टाइम बता रहा है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मंथ या ईयर में, जो इसमें आपको बी है ये बता रहा है कि कितने क्या स्पेशल स्किल फैक्टर्स है, पी आपका प्रोडक्टिविटी पैरामीटर। तो टिपिकल वैल्यू पी अगर 2000 है एक किसी डेवलपमेंट, किसी रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के लिए, तो पी 2000 होगा। किसी टेलीकम्युनिकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए पी 10000 होगा। किसी बिजनेस सिस्टम एप्लीकेशन के लिए 28000 होगा। तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं अगर आप ये रखें, जैसे पुतनाम मायर्स ने भी इसमें अपना एक योगदान दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप जैसे पी को 12000 मानते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करके थोड़ा सा इन्होंने वेरिएट किया, ये आप यूज कर सकते हैं। और ये तब है जब टाइम मिनिमम लेस ग्रेटर देन 6 मंथ हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब एफर्ट आपका 20% मंथ से ऊपर हो, तो ये यूज करेंगे। तो अगर जैसे अभी P = 12000 अभी कैड सॉफ्टवेयर है उसको यूज करते हैं, तो टी मिन को आप ये फॉर्मूला लगा के, फिर एफर्ट को ही लगा के आप एफर्ट और टाइम निकाल सकते हैं। ये भी अलग अलग वेरिएशन है जिसमें सॉफ्टवेयर इक्वेशन में दो आपने जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर देखे, उसके अलावा पुतनाम मायर ने इसी एस्टिमेशन मॉडल को थोड़ा और हल्का किया। अब एस्टिमेशन अगर हम करना चाहें वेब ऐप प्रोजेक्ट का, तो वेब ऐप प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एजाइल प्रोसेस मॉडल फॉलो करते हैं मोस्टली वेब ऐप जो है। तो रोडजाइन ने इसमें कहा कि इसमें जो हमको एस्टिमेट करने पड़ सकते हैं, जब हम फंक्शन पॉइंट वेब ऐप एस्टिमेशन के लिए यूज करेंगे, तो उसमें इनपुट होंगे, आउटपुट होंगे, टेबल होंगे, इंटरफेस होंगे, क्वेरीज होंगे, तो ये एस्पेक्ट आपको लेने पड़ेंगे फंक्शन पॉइंट के लिए। तो मेंडेस और उनके कलीग ने कहा कि जो वॉल्यूम है वेब ऐप का, उसके लिए अगर हमें प्रेडिक्टर वेरिएबल लेने हैं, तो उसके लिए हमारे पास पेज, जैसे पेज काउंट है, मीडिया काउंट है, फंक्शन काउंट है, या कैरेक्टरिस्टिक जो वेब पेज की है, जैसे पेज की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लिंक की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ग्राफिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या मीडिया कैरेक्टरिस्टिक। तो ये वेब पेज की कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशन की कैरेक्टरिस्टिक, उसके मीडिया कैरेक्टरिस्टिक जैसे मीडिया ड्यूरेशन और फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक, कोड लेंथ, रीयूज लेंथ, रीयूज कोड लेंथ, ये उन्होंने और कहे मेंडेस और उनके कलीग ने कि ये भी आपको जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर कहा ना रोडजम ने कहा कि इसमें इनपुट आउटपुट टेबल और इंटरफेस क्वेरी होगी, इन्होंने कहा कि ये सभी होना चाहिए। तो एक मेक और बाय डिसीजन है, ये मेक और बाय डिसीजन बताता है कि क्या आपको खरीदना है, क्या आपको खुद बनाना है। तो खरीदना और बनाने के हिसाब से अगर आप देखें, तो जैसे हम बिल्ड लेते हैं, तो बिल्ड में जाएंगे, मान लीजिए इसमें इतना पैसा लग रहा है, तो 380000 को 0.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 450000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.60 से, इनको जोड़ देंगे, और फिर देखेंगे बिल्ड में कितना पैसा लग रहा है। इसी तरीके से ये चारों में लगा देंगे,
और फिर पता चल जाएगा कि किस में फायदा है, बिल्ड बनाने में, रियूज करने में, बाय करने में या कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि आप अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट थ्री अभी जो बिल्ड बिल्ड वाला देखते हैं बताया, ये वाला बिल्ड वाला, तो पॉइंट थ्री को इससे कर दीजिए, पॉइंट सेवन को इससे कर दीजिए, देखिए पॉइंट थ्री को इससे किया, पॉइंट सेवन को इससे किया, फिर हमने जोड़ दिया। तो इसी तरीके से जैसे एक्सपेक्टेड कॉस्ट है बिल्ड का या बाय का, रियूज का, कॉन्ट्रैक्ट का, ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। और इसमें देखिए जो कॉस्ट है बाय का सबसे कम आ रहा है, तो ये सब करने की जगह इसको खरीद लिया जाएगा। ये हमने बात की कि एस्टिमेशन कैसे करेंगे आप प्रोजेक्ट में, और कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करेंगे, एफर्ट एस्टिमेशन कैसे करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।